हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज के इस ब्लॉग में जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अभी आया हूँ पटना। तो गाइज पटना में एक बहुत ही बढ़िया एक मंदिर, फेमस मंदिर है, महावीर मंदिर, ठीक है। तो अभी मैं उसी में खड़ा हूँ। तो गाइज अभी यहाँ पर मैं पूरा घूमूंगा, आप लोग को भी दिखाऊंगा, ठीक है, इस ब्लॉग में। तो ब्लॉग को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ब्लॉग पसंद आएगा ब्लॉग को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, बहुत ही मजा आने वाला, बहुत एक अलग अलग चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है। तो एंड तक जरूर देखिएगा, पसंद आएगी ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, तो देख सकते हो कि ये रहा पटना का महावीर मंदिर, जो कि काफ़ी आज सैटरडे काफ़ी यहाँ पर भीड़ है। और देख सकते हो कुछ अंदर का इधर, और देख सकते हो कहीं जो मंदिर का ऊपर का है हिस्सा, इधर देख सकते हो पटना स्टेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पटना आए हुए हैं, एकदम जस्ट स्टेशन से निकल के जस्ट यहीं सामने में ही मंदिर है, आप लोग आराम से आ सकते हो, यहाँ पर दर्शन कर सकते हो। आज सैटरडे है तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ क्राउड है, समझे। और यहाँ पर आज सैटरडे मुझे नहीं पता था क्या जितना ज़्यादा क्राउड होगा, बट यहाँ अभी मैंने आया तो देख रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। कैसे मैं अंदर आया हूँ मैं ही जानता हूँ। बाकी इधर देख सकते हो पार्किंग है, इधर स्टेशन है, कुछ लोग फोटोज ले रहे हैं। और चलते हैं हम लोग ऊपर, चलिए चलते हैं ऊपर और आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइज ये हम आ चुके हैं ऊपर, ये देख सकते हो बाइक पूरा लगा हुआ है पार्किंग में। इधर स्टेशन है पटना स्टेशन, इधर मंदिर का ऊपर फ्लोर है। उधर भी कोई छोटा मंदिर है लगता है, नहीं हवन कुंड, हवन कुंड। ये देख सकते हो आगे का पोर्शन, ये देख सकते हो गाइस कितना नीचे क्राउड है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। बस सैटरडे के कारण पूजा हो रहा है। इधर देख सकते हो पूरा क्राउड एरिया, पटना का पूरा क्राउड एरिया है। रात का व्यू यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, ऊपर में इधर ऊपर में सब बना है वो गुंबद जैसा ना, उस पर पूरा लाइटिंग जलता है, दिन में नहीं जल रहा है। यही रहा लास्ट टॉप फ्लोर सबसे ऊपर का।
तो चलिए गाइस अब हम लोग चलते हैं नीचे। यहाँ का नज़ारा काफी मस्त है गाइस, एकदम आते ही बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है। देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो राम लक्ष्मण जी है, इधर देख सकते हैं यहाँ दुर्गा मैया, और ये देख सकते हैं पूरा अयोध्या। मे बी ये अयोध्या है और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक और एक अलग चीज दिखाऊंगा, तैरता हुआ पत्थर, ये देख सकते हो जो कि यहाँ पर देख सकते हैं पानी में यहाँ पर तैर रहा है, पूरा पानी भरा हुआ है। आपको जैसे कि स्टोरी पता होगा कि राम जी जो है कि पत्थर पे जो है कि हनुमान जी सब लिख लिख के जो समुद्र में डाले थे श्रीलंका में, वहाँ पर समुद्र में डालने वाला जो पत्थर था वही पत्थर देखिए ये है यहाँ पर तैर रहा है। नीचे देख सकते हो पानी है, ऊपर में देखिए यहाँ पर तैर रहा है। उधर से भी आपको दिखलाते हैं, उधर से तैरता हुआ पत्थर, नीचे देख सकते हो ऐसे पानी है और ऊपर देखिए यहाँ पर तैर रहा है, कोई भी सपोर्ट नहीं है, ऊपर में भी कोई सपोर्ट नहीं है, देख सकते हो पानी के ऊपर, इसमें तो पता ही नहीं चल रहा बट पानी के ऊपर देख सकते हो कि फ्लो कर रहा है। और अंदर देखिए, अंदर में
तो गाइस तो यहाँ पर हम जो है कि आए हुए थे पटना, तो सोचे कि यहीं पर नजदीक स्टेशन से ही नजदीक जो है कि यहाँ महावीर मंदिर है, तो आप लोगों को दिखा दें। यहाँ पर कुछ अलग अलग चीज था तो मैं सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दें। तो गाइस आई होप ये ब्लॉग आपको काफी ज्यादा पसंद आए। तो गाइस ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग एक लाइक कर दिया, अभी तक हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दिया। चलिए मिलते हैं किसी न्यू और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।